वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया श्री चौहान लोग। और गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, तो मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है और 2 चम्मच उड़द के दाल, चना दाल 2 चम्मच और 1 चम्मच सरसों के दाने और 5 से 6 कड़ी पत्ता को हल्का सा फ्राई कर लिया है, हल्का सा फ्राई किया है 1 मिनट के लिए। और उसके बाद 1 कटोरी इसमें पानी को ऐड किया है। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और सेम कटोरी से जिसे हम पानी लिए थे उसी से सूजी डालेंगे, रवा और नमक के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाला था फ्रेंड। और हल्का हल्का सूजी को डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते चले जाएंगे। पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का ही रखेंगे और मिक्स करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। तो देखिए अभी ऐसा है, थोड़ा सा पानी का ज़रूरत लगे तो आप इसमें ऐड और कर सकते हैं। और ये जब सिमट जाए तो समझिए कि हमारा जो है सूजी वो रेडी है बनने के लिए। तो बस हल्का जब गर्म होगा तो हाथों से इस तरह से करके और फटाफट से इसका क्या करेंगे, एक लोई बना लेंगे। और मैं इसे सेप दूँगी मेदू वड़ा का, तो इस तरह से मैंने कर लिया है। और बीच में एक होल करेंगे उंगली की मदद से और इस तरह से करके। अब फ्रेंड सूजी है तो साइड साइड से किनारे फट सकते हैं, तो आप हाथों से उसे अच्छी तरह से मतलब सेट करते चले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाएगा और फटाफट ये बन भी जाता है और खाने में हेल्दी के साथ टेस्टी भी है, बच्चों लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगा। और इस रेसिपी में फ्रेंड आपको इडली का भी स्वाद आ जाएगा, रवा इडली का। और ना ही इसमें मैंने दही यूज़ किया है और ना ही ज़्यादा कुछ यूज़ किया है, यूनो वगैरह कुछ भी नहीं, तो सोडा वगैरह भी। और ये देखिए इस तरह से करके मैं सारे जो है सूजी के जो डो तैयार करके रखे हैं उसे फटाफट से हम बना लेंगे और उसके बाद इसे स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए एक और मेदू वड़ा बनकर तैयार हो गया सूजी वाला। तो वैसे इसे तलना नहीं है और इसे मैं करूँगी स्टीम। अगर आप चाहें इसे कि आप डीप फ्राई करें तो इसे स्टीम ना भी करें, डायरेक्ट डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इसे स्टीम करके बनाऊंगी क्योंकि मुझे हेल्दी बनाना है। और इधर मैं बादाम की चटनी बनाऊंगी इसके साथ खाने के लिए, दूध उबलने के लिए भी रख दिए हैं। और बादाम के साथ थोड़ा सा मैंने चना दाल जो होता है उसे भी हल्का सा भून लूँगी। और यहाँ पे ये है लगभग हो ही चुका है, लेकिन मैं भी इसे थोड़ा सा ढक दूँगी 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे सुबह सुबह हमारे हस्बैंड जी लग गए हैं पंखे को सेट करने में, क्योंकि फ्रेंड ये वाला फ़ैन ना हमारा जो दिवाली पे निकाले थे क्योंकि इसका स्पीड कम हो गया था, तो वो हस्बैंड जी ठीक कर दिए। और यहाँ पे मैं नहा धोवा कर आ गई हूँ और यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो भी रेडी हो चुका है और साथ में चटनी भी हो गया है। और मायरा को मैं यहाँ पे थोड़ा सा खिला दे रही हूँ। और फ्रेंड सुबह सुबह थोड़ा सा यहाँ ठंडी जैसा रहता है तो मैं मायरा को स्वेटर पहना देती हूँ ताकि बच्चों लोग को ठंडी से बचा के तो रखना ही पड़ता है इसलिए। और मैं अभी लगाऊंगी जो चटनी बनाए हैं बादाम की चटनी, तो बादाम की चटनी में मैंने चना दाल और थोड़ा सा अदरक लहसुन और लाल वाली मिर्ची जो सूखी वाली होती है उसका यूज़ किया है, उसे पीस लिया है। और फिलहाल तो फ्रेंड मेरे पास कड़ी पत्ता है नहीं, अभी ख़त्म हो चुका है। तो छौंके में मैं डालूँगी सरसों का तेल और उसमें डालूँगी 1 चम्मच राई जिसे सरसों के दाने भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता है वो तैयार हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन साफ और साथ में मायरा को ऊपर मैं रैक पे बैठा के रखी हूँ। क्या कर रही लड़ा? आय तो फ्रेंड अभी मायरा सोई हुई है और मैं बना रही हूँ अभी भुंजिया। और इधर में बन गया है खाने में चावल बन चुका है और दाल भी मैंने बना लिया है और चटनी है, ये सुबह का चटनी है। और अभी मैं बनाऊंगी धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी। और तो अभी टमाटर ना ठंडा होने के लिए रखे हैं, उसके बाद जैसे वो ठंडा हुआ तो चटनी भी बना लेंगे। और फिर अभी आलू का भुंजिया बन ही रहा है और अभी 2 नहीं बजे हैं फ्रेंड, क्योंकि अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि थोड़ा सा मौसम जैसा चेंज हो रहा है और अभी थोड़ा सा खाना भी जल्दी से ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा और देर से ही खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जो भी हमारा जो खाना है वो गर्म रहे। और बहुत ज़्यादा खाना नहीं होता है ना फ्रेंड,
जिसकी वजह से खाना बना के तो मैं रखती हूँ तो आधा घंटे में बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसलिए अभी क्या कर रही हूँ कि 2 बजे तक खाना बन जाए वैसा ही कर रही हूँ कि जैसे ही 2 बजता है तो हस्बैंड जी आ जाते हैं खाने के लिए, तो खाना मैं गर्म गर्म ही बनाऊँ और गर्म गर्म ही खाऊँ। और मुझे गर्मी खाना खाना अच्छा लगता है, ठंडा वाला खाना मुझे पसंद नहीं आता। और फिलहाल अभी कपड़े वगैरह भी सूख गए हैं, तो कपड़े सूख गए हैं तो कपड़े को भी उतार लेंगे। और यहाँ पे मैंने नीचे रखा है चना और बाल्टी वगैरह भी अभी रखना है तो अभी रख देंगे क्योंकि धूप अभी ही इधर आया है, इससे पहले धूप नहीं था। तो अभी जो बाल्टी वगैरह है वो भी रख देंगे और फिर खाना खा लेंगे दोपहर का जो भी है और वो सब भी कर लेंगे। तो भुंजिया लगभग तो हो चुका है, बस इसमें हल्दी और नमक डालना बाकी है तो वो भी अब हम डाल लेते हैं। तो हमारा खाना बन गया, दाल चावल टमाटर की चटनी, टमाटर और धनिया की है और आलू का भुंजिया और बादाम का चटनी। तो ये रहा आज का हमारा खाना। तो सॉरी अभी खाना खाने जा रहा है, ले जाओ बेटा खाना ले जाओ। तो ये सॉरी का खाना। तो फ्रेंड आज है खाना और ये देखिए मेरा घर का हालत। सबसे पहले तो घर ही देख लीजिए, ये मायरा करती है और अभी मैंने उसे चना दिया तो बैठी है और सॉरी को बोला कि जो भी सामान मायरा फेंकी है उसे रख दो, तो वो अभी सामान को रख रहा है। और फ्रेंड आज हमारे यहाँ पे जो छठ त्योहार होता है उसका खरना है, तो खरना के दिन हमारे घर में रोटियां जो है वो बेलकर नहीं बनती है, वो क्या करते हैं कि हाथों से इस तरह से दबा दबा कर उसे बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी वही वाली रोटी और साथ में बना रही हूँ आज खीर। तो दूध मैंने यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया है, तो आज खीर और रोटी बनाऊंगी। हमारे यहाँ पे उसे दोस्ती रोटी बोलते हैं फ्रेंड, यानी कि दो जो डो होते हैं ना लोई उसको आपस में चिपका देते हैं और चिपका के हाथों से फिर उसे रोटी बनाते हैं, फिर तवे पे उस पर सेक देते हैं और घी लगा देते हैं। तो हमें हमारे घर पे उसे दोस्ती रोटी बोलते हैं, तो आज मैं वही बनाऊंगी दोस्ती रोटी और खीर। तो दूध लगभग उबलने ही वाला है तो मैं इसमें डाल दूंगी चावल। तो फिलहाल जाती हूँ बनाने के लिए खाना। तो फ्रेंड यहाँ पे दूध उबल चुका है तो मैं चावल को भी धो ले रही हूँ और मैं खीर के लिए हमेशा टूटा हुआ चावल जो होता है अरवा मैं उसका यूज़ करती हूँ। और आप लोग क्या बोलते हैं जिस चावल से खीर बनाते हैं, हमारे यहाँ पे अरवा चावल बोलते हैं। और मैं हमेशा खीर बनाने के लिए टूटा चावल का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा खीर बनता है और जैसा मुझे चाहिए वैसा बनता है। और फिलहाल तो मैं इसमें सिर्फ दूध में ही खीर को बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि फ्रेंड हमारे घर में ना खीर बिन जो पानी वानी डाल देते हैं तो वो पसंद नहीं करते, इसलिए सिर्फ दूध से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं साथ में आटा भी गूंद ले रही हूँ, जब तक खीर होगा तब तक आटा को तैयार करके रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। और रोटी खाते वक्त ही बनाऊँगी फ्रेंड, पहले नहीं बनाऊँगी। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, तो बाहर खिड़की से देख सकते हैं कि मतलब कि शाम रात होने ही वाली है, अभी तो सूर्यास्त हो रही है। तो बस यहाँ पे आटा को भी गूंथ कर तैयार कर लूँगी और मायरा हमारे पीछे ही रहती है, कभी भी मैं खाना बनाऊँ तो वो मेरे पीछे ही कपड़े पकड़ के खड़ी होती है। तो उसे भी मैंने गोद में ले लिया और आटा को फटाफट से गूंथ ले रही हूँ। खाना खाने के टाइम पे रोटी बना लूँगी फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या है ना कि मायरा तब तक नहीं जाती जब तक कि उसके पापा ना शाम को आ जाए और वो कोई काम भी नहीं करने देती है। तो पापा के उसके आने का टाइम भी होने वाला था तो मैंने बोला कि जाओ बाहर जाके देखो पापा आज आ रहे हैं, तो फिर वो गई तो फटाफट से मैं इधर में कपड़े लग लेती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए मायरा को वो कैसे आटा खाने की कोशिश कर रही है और सूखे आटे को भी वो खा रही है और जो आटा गूंद के रखे थे वो भी खा रही है। और फ्रेंड हमारे यहाँ पे खरना के दिन रोटी बेलकर नहीं बनती है शाम का टाइम, सुबह तो बनती ही नहीं और शाम का टाइम हम बेलकर ही बनाते हैं। बस इस तरह से जो दो डो होते हैं ना लोई, हमारे यहाँ पे लोई बोलते हैं, उसे तेल लगा कर आपस में चिपका देते हैं और सिर्फ हाथों की मदद मतलब उंगलियों की मदद से ही उसे हम बनाते हैं। और काफ़ी मैं बड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा बनाने में,
और फिर मुझे क्या करना है ना कि बहुत सारा भी आटा मैंने गूंदा है, सुबह का भी खाना मैं इसी टाइम पे बना लूंगी। अगर देखती हूँ क्या करती हूँ, तो फिलहाल के लिए तो अभी मैं खाने के लिए ही बना रही हूँ, और मैंने सुबह के लिए भी आटा गूंद लिया है, इसलिए मैं थोड़े बड़े साइज़ की और मोटे साइज़ की बना रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बस इस तरह से हाथों से इस तरह से कर करके और रोटी को आज मैं बनाऊंगी। ये खरना का वीडियो है। खरना यानी हमारे यहाँ पे छठ होता है, उसे महापर्व कहते हैं, और इस टाइम हमें बहुत सारे नियमों को फॉलो करना होता है। जो करते हैं पूजा उनके लिए भी, और जो नहीं करते हैं वो भी करते हैं। तो खरना के दिन खीर तो मैंने बना लिया है, और यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। और इस रोटी को फ्रेंड हमारे यहाँ पे दोस्ती रोटी कहते हैं, क्योंकि दो दो लोई होता है उसे आपस में चपका के इसे बनाया जाता है, इसलिए इसे दोस्ती रोटी कहते तो हैं। फ्रेंड अभी तो फिलहाल काम हो गया है, और किचन वगैरह भी साफ कर चुके हैं, और यहाँ पे रहा हमारा सामान जो कि कल सुबह हमें जाना है। कहाँ जाना है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जरूर से पता चल जाएगा। तो हमारा सामान पैकिंग हो गया है, और हस्बैंड जी अभी कपड़े कुछ प्रेस कर रहे हैं, जो मेरे कपड़े बाकी रह गए थे। हस्बैंड जी का तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं खुद का कपड़ा नहीं कर पाती हूँ। तो अभी अभी 11:20 टाइम है, और तो कपड़े वगैरह पैकिंग करने के बाद हस्बैंड जी आएंगे और फिर कपड़े को रख देंगे, और सिर्फ मेरे ही कपड़े बाकी है फ्रेंड, बाकी सबके कपड़े पैकिंग हो गए हैं। और यहाँ पे हमारा रहा जो सुबह पहनने का है, वो कपड़े यहाँ पे भी है। तो और ये एक स्वेटर मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंडी तो नहीं आई है फ्रेंड, लेकिन सुबह सुबह हो सके तो हमें सुबह यहाँ 4 बजे निकलना है, 4 बजे 4:30 बजे निकलेंगे, तो उस समय ठंडी लग सकती है। हमें ना लगे लेकिन बच्चों लोग को लगेगा, तो इसलिए मायरा के लिए मैंने स्वेटर वगैरह निकाल लिया है, और हम भी अपना भी निकाल लिए हैं पतले पतले से स्वेटर, ताकि अगर हमें पता नहीं है वहाँ पे ठंडी है या नहीं है, तो इसलिए हमने स्वेटर वगैरह रख लिया है। और देखेंगे जैसा होगा वहाँ का वेदर उसी हिसाब से चलेंगे। तो एक पतला सा इनर रख लिया है पहनने के लिए, और फिलहाल अभी तो सारे काम हो चुके हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।